सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवने स्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञान दृष्टिमाशिता विवेकानंद मार्गेण वयम् सर्वे समर्पिताः। अरे भाऊजी आप माही प्रिया, अरे देखो कौन आया है। प्रणाम बाबू। खुश रहो बेटा। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा। नमस्ते भाऊजी। नमस्ते। आपने आने के बारे में पहले नहीं बताया, मैं आ जाता आपको स्टेशन लेने। सोचा अचानक आकर आप लोगों को सरप्राइज दूंगा। कुछ दिनों से गांव में मन नहीं लग रहा था, चला आया। बहुत अच्छा किया बाऊजी जो आप आ गए। गांव में आप अकेले रहते, हमें भी आपकी फिक्र लगी रहती है। अब सारी बातें यही करोगी या बाऊजी को अंदर में आने दोगी? आई ना बाऊजी। तो बाऊजी गांव में सब कैसे हैं? अच्छे, सब अच्छे। और तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है बाबूजी, अच्छा चल रहा है। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? अच्छी चल रही है दादाजी। यहाँ मौसम बढ़िया है, वरना गांव में तो बहुत ठंड है। हाँ बाबूजी, यहाँ का मौसम ठीक है। बहुत लेट हो गई। अरे ये तो बहुत खूबसूरत लग रहे, एक सेल्फी तो बनती है। कैमरा ऑन। यस। मेकिंग सैंडविच फॉर फैमिली अपलोडेड। मम्मी। हाँ जस्ट अ मिनट। आई ये लीजिए पाऊजी। ये माही। Thank you.
बेटा नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ अरे नाश्ता करो ना भाजी, आप भी खाइए ना। माही अपना नाश्ता फिनिश करो, चलो। अच्छा ओजी, मैं ऑफिस चलता हूँ, रात को आराम से बातें करेंगे। माही तुम बाबूजी का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ पापा, डोंट वरी, मैं पूरा दिन दादाजी के साथ ही रहूंगी। चलता हूँ। अरे ऋषि कहाँ है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दिया। वो बाबूजी स्कूल के टूर पे गया हुआ है, शाम तक लौट आएगा। अच्छा हाँ। बेटा माही, माही बेटा चलो ना कहीं घूम के आते हैं। बस दो मिनट आ दादाजी, मैं अपने ही हाई स्कोर को बीट करने वाली हूँ कैंडी क्रश में, बस दो मिनट। हाँ ठीक है बेटा। आजकल लोग मोबाइल, इंटरनेट, सोशल साइट्स के जरिए दूर बैठे लोगों के पास तो आ गए, पर जो हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, उनसे दूर हो गए। जिस वक्त हम कमेंट्स, लाइक, शेयर से दूर बैठे लोगों को खुश कर रहे होते हैं, उसी वक्त हमारे पास बैठा इंसान हमारा मुंह ताक रहा होता है कि कब हम फ्री हों और वो अपने मन की बात हमसे कह सके। खास तौर पर इस परेशानी का सामना छोटे बच्चों और बुजुर्गों को करना पड़ता है। से अच्छा तो मैं गांव में ही था, वहां कम से कम लोग आते जाते एक दूसरे को दुआ सलाम तो करते। यहां आकर तो मैं और भी अकेला हो गया। अगर ऐसा ही चला तो एक दो दिन में मैं वापसी कर लूंगा। अरे ऋषि दादाजी, मेरा प्यारा बच्चा, कैसा है तू? ठीक हूँ, आप कैसे हो?
मस्त है। बहुत दिनों से आपको याद कर रहा था, ढेर सारी बातें करनी आपसे। उससे पहले एक बात बताओ, इन दो सालों में अभी याद आई आपको मेरी? एक मिनट खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जा। देखो क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कहीं तुम्हारे पास भी तो वो मुसीबत नहीं है। कौन सी मुसीबत? वही जो घर में सबके पास है, सब अपनी नजरें उसी में गाड़े हुए रहते हैं। पर क्या? अरे वो ही मोबाइल, स्मार्टफोन, घर के सब लोग उसी में चिपके हुए रहते हैं। डोंट वरी दादाजी, मेरे पास नहीं है। नहीं है ना? नहीं। तभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है मुझे, वरना पिछले 8 घंटों में सबके मिलाकर जितने शब्द नहीं सुने थे मेरे कानों ने, उतने शब्द तुमने अभी बोले हैं। मेरा प्यारा बच्चा। बेटा आज खाना कुछ ज्यादा ही हो गया। नागू जी आज ना हम बहुत मस्ती करेंगे, हमसे मिलकर कोई गेम खेलें। कौन सा? वो कैंडी क्रश वाला? दादाजी मजाक मत करो। चलो खेलते। पर बेटा जिंदगी में मैंने सिर्फ 2 ही गेम खेले, बाहर कबड्डी और घर में अंताक्षरी। फिर तो हम अंताक्षरी खेलेंगे। दीदी दीदी चलो अंताक्षरी खेलते। अरे रुकना, शीना का मैसेज आया, वो अपने नए फोन है ना फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो चैट करवाने वाली है। यू नो ना आई कांट मिस दिस। आप लोग स्टार्ट कीजिए ना, मैं बस अभी आती हूँ। ओके पापा, अंताक्षरी के लिए? हाँ ठीक है, मेरा मोबाइल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तुमने देखा कहीं? पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, मिल ही नहीं रहा। भौजी आपने मेरा मोबाइल देखा? नहीं तो। पता नहीं कहाँ रख दिया। अरे हटो बेटा जरा, कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। उफ, थैंक गॉड, मैं तो डर गया था। दादाजी काश मैं भी स्मार्टफोन होता, लोग मुझ पे इतना ध्यान देते, मुझे अटेंशन दे देते। मैं भी। क्या हुआ, आपने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। बाऊजी आपको एक बात बताता हूँ, ये देखिए बाऊजी, मेरा दोस्त वेस्टर्न कंट्री की बहुत तारीफ किया करता था, वही जाके सेटल हो गया है। बच्चे फैमिली पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर में रंग गए हैं, अब किसी के पास उसके लिए वक्त नहीं है, हर कोई अपने काम में बिजी। अब कह रहा है काश मैं इंडिया में होता। क्या फायदा ऐसा मॉडर्नाइजेशन का जब अपनों के लिए 2 मिनट का वक्त भी ना हो। और ये पोज देखिए बाऊजी। दूल्हा और दुल्हन दोनों को अपने एंगेजमेंट के लिए समय नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एंगेजमेंट करा रहे हैं। क्या जमाना आ गया। दादाजी मैं मम्मी को लेके आता हूं। मम्मा चलो ना अंताक्षरी खेलते, बहुत मजा आएगा। अंताक्षरी बेटा देखो ना कितने सारे प्लेट पड़े हुए हैं यहाँ, मुझे अभी ये सब साफ करना है, आप जाओ खेलो। हाँ जाओ। मम्मा प्लीज। बेटा मुझे किचन में भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ, मुझे लेट हो जाएगा, जाओ खेलो। हाँ, जाओ। साइंस टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके सीमित और समझदारीपूर्ण उपयोग ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि बेहतर से बेहतर चीज अपने साथ कुछ कमियां जरूर रखती है। आई पोस्चर, टेस्ट नेक, सेलफोन एल्बो, नोफोबिया, ये कोई लेटेस्ट ऐप नहीं बल्कि ये वो हाईटेक बीमारियां हैं जो स्मार्टफोन अपने साथ लाया है। हमें ये एहसास नहीं है कि हम धीरे धीरे इन बीमारियों के नजदीक और अपने कुछ रिश्तों से दूर जा रहे हैं। क्या हुआ? कोई भी फ्री नहीं है। अरे छोड़ वो अंताक्षरी, तुझे तुझे कहानी पसंद है ना?
मैं तुझे अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। हाँ चलो चलो मेरे रूम में। दादाजी आपने हमेशा यही रही है, आपके बिना बिल्कुल मेरे को मन नहीं लगता, और वैसे भी किसी पास टाइम नहीं यहाँ पे देने के लिए। अच्छा आप मेरे को कहानी सुनाइए ना। हाँ सुनाता हूँ, लेकिन पहले मुझे दवाई तो लेने दो। एक काम करो बेटा, बैग में मेरी दवाई है, जरा देना। ये वाली? हाँ। दादाजी इस बॉक्स में क्या है? इस बॉक्स में मेरी जिंदगी की कुछ खट्टी मीठी यादें हैं, जिन्हें मैंने संभाल के रखा है, और इन्हीं से मुझे जीने की ताकत मिलती है। ये देखो। ये क्या है? ये कैसेट है बेटा, और इसमें तुम्हारी दादी की, मेरे दोस्तों की और तुम्हारे पापा की बचपन की आवाज रिकॉर्ड है। अच्छा तो सुनाइए ना। नहीं बेटा अब ये मुमकिन नहीं है। पहले मेरे पास एक कैसेट प्लेयर था, लेकिन एक बरस पहले वो टूट गया, और अब ऐसे कैसेट प्लेयर मार्केट में आना ही बंद हो गया है। चलो छोड़ो, मैं दवाई लेकर आता हूं और तुम्हें कहानी सुनाता हूं। हाँ आ रहा हूं, और ये बॉक्स को संभाल के रखना। मोटर ड्राइविंग लाइसेंस? दादाजी का ड्राइविंग लाइसेंस? दादाजी का मुझे 7 जनवरी को है। हेलो, हाँ सुन, मैंने जो मंगाया था वो तेरे दादाजी लाए। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में तेरे पास आता हूँ। बाय। बेटा तेरे मम्मी पापा दीदी सब बाहर गए, हम यहाँ बैठकर क्या करें? चलो कहीं घूम आते हैं। पर मुझे तो मेरे फ्रेंड के यहाँ नोटबुक कंप्लीट करने जाना है। अच्छा तो ठीक है, मैं अकेले ही जाता हूँ, वैसे भी यहाँ बैठकर क्या करूँ। ठीक आज काफी अच्छा वॉक हो गया। सर टाइम बहुत हो गया, घर निकलता हूं। अरे ना अंधेरा कैसा है, पर ऋषि कहाँ गए? दादाजी, ऋषि। हैप्पी बर्थडे टू दादाजी, हैप्पी बर्थडे टू दादाजी, हैप्पी बर्थडे टू डियर दादाजी।
किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्दी केक काटो और मुझे खिलाओ। हैप्पी बर्थडे टू दादाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादाजी। ये और मैं चीजों भूल गया, रुको अभी लाता हूँ। आपका गिफ्ट। अच्छा पहले आके बंद करो। नो चीटिंग। कैसेट प्लेयर। गिफ्ट कैसा लगा? बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा ये कहां से लाया तू? और ये सब कैसे किया तूने? मैंने मेरे फ्रेंड के दादाजी से मंगवाया था और मैं तो वहां से 2 घंटे पहले ही आ गया, तो ये सब मैंने किया। चलो आज आपके बर्थडे पर डांस करके ही रहेंगे। डांस? हाँ। आ जाओ। थैंक यू बेटा। मम्मी पापा, आपको पता है आज दादाजी का बर्थडे है और मैंने उनका सरप्राइज दिया। हैप्पी बर्थडे बाबूजी। हैप्पी बर्थडे बाबूजी। हैप्पी बर्थडे दादाजी। सॉरी बाबूजी, हमें तो पता ही नहीं था कि आज आपका बर्थडे है। हाँ, वरना हम बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं, सबको इनवाइट करते। अच्छा तूने दादाजी को गिफ्ट क्या दिया है? ये ओल्ड कैसेट प्लेयर। मुझसे पापा या मम्मी से कहता, ऑनलाइन शॉपिंग से लेटेस्ट आईपॉड मंगवाते। ये भी कोई गिफ्ट होता है देने के लिए? बेटा माही सुनो, बचपन में जब हमारे पिताजी हमें अठन्नी दिया करते थे तो वो हमारे लिए हजारों रुपयों से भी बढ़कर हुआ करती थी। बेटा हमारे लिए खुशियां उसी अठन्नी की तरह हो गई है। हाँ, और इस कैसेट प्लेयर ने मुझे आज वो खुशी दी है। और बेटा माही, जिंदगी में कुछ काम कभी दूसरों की खुशी के लिए भी करने चाहिए। आई एम सॉरी दादाजी। ना बेटा ना, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, गलती यहां बने माहौल की है जिसमें इंसान से ज्यादा मोबाइल को महत्व दिया जाता है। अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को तुम भले ही ना पढ़ पाओ, लेकिन इसमें आए हुए मैसेज को बिना पढ़े तुम रह नहीं सकते। ऐसे में वो इंसान जिस पर तुम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उसके पास तो सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं। या तो वो तुम्हारी तरह इस मोबाइल को अपना दोस्त या परिवार बना ले, या फिर अपनी खुशियां कहीं बाहर जाकर ढूंढे। और अगर ऐसा हुआ ना बेटा, तो तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे उस अमेरिका वाले दोस्त के परिवार की तरह बिखर जाएगा। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हम कब इन सब चीजों के गुलाम बन गए हमें पता ही नहीं चला, लेकिन आज
आपकी बातों ने जैसे हमें किसी नींद से जगा दिया। बेटा जब जागो तभी सवेरा। क्यों ऋषि? इंसान की हमेशा से यही कमजोरी रही है कि वो रिश्तों में बंधे उसके अपनों से कुछ उम्मीदें रखता है, जो कि स्वाभाविक है। और विडंबना ये है कि आज इंसान के पास देने के लिए सब कुछ है, बस ये छोटी छोटी खुशियां नहीं है। वो चाहता है कि उसके करीबी लोग उसकी जरूरतों, उसकी उम्मीदों को समझें और उसे छोटी छोटी खुशियां दें। काश हम इस बात को समझें कि जिंदगी की असली खुशी इन्हीं छोटी छोटी चीजों में, जो अपनों को अपना बनाए रखती है।